हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो इस वाले व्लॉग में मैं करने वाला हूँ अपनी पुरानी बाइक की रिस्टोरेशन। तो काफ़ी देर से वो अंदर ही लगी हुई है, कोई यूज़ नहीं करता था, तो अभी उसको करते हैं पूरा रिस्टोर और आगे के जो भी सीन्स होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बाइक निकालते हैं हम अंदर से और फिर जो भी आगे का सीन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो यार, तुम इसकी एक बार हालत देखो, इधर देखो इसका क्या हाल हुआ है, क्योंकि ये बड़ी देर से अंदर ही लगा हुआ था, इसे कोई चलाता नहीं था। और इसकी नंबर प्लेट भी देखो, ये देखो इन पे भी धूल है और ये भी चेंज हो जाएगी। इधर HSRP नंबर प्लेट जो है वो लगेंगी और इसकी सर्विस होगी, वॉशिंग होगी। तो जो भी सीन्स होते हैं आगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो देखते रहो। भाई इसको हम एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि होता है या नहीं। यार मेरे को उम्मीद नहीं थी यार, ये इतनी देर से बंद पड़ा था और एक ही किक में स्टार्ट हो गया यार, मतलब ये सरप्राइज ही दे गया भाई। तो अभी चलते हैं इसकी सर्विस करवाने, तो फिर आगे के जो भी सीन्स होते हैं वो दिखाता हूँ। तो चलो भाई, यहाँ पे आ गए हैं बच्चे और वो उनको पानी पिला रहे थे, तो अभी वो निकलते हैं वहाँ से, तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। भाई अपने टायर में हवा भी निकल गई है, तो ये कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। वैसे सर्विस स्टेशन पास में ही है इधर, तो वहीं से सर्विस कराएँगे हम, तो कोई सीन नहीं है, तो पहुँचने वाले हैं हम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी शॉप पे, अपने भैया की शॉप पे, यहाँ से कराते हैं सर्विस और फिर घर जाके धोएंगे यार इसको, तो जो भी सीन होगा वो दिखाएंगे आपको। भाई यहाँ हमारा जो इंजन ऑयल है वो चेंज हो रहा है, तो उसके बाद देखते हैं भैया क्या करते हैं। ओ भाई साहब, चूहा ने तो इसकी बुरी हालत की है भाई, इसका एक बार फिल्टर देखो। भाई यहाँ निकल रहा है अपना पेट्रोल और वो नीचे वाली साइड से इंजन ऑयल निकल रहा है, वो चेंज करेंगे। तो उसके बाद ये देखो भाई फिल्टर का क्या हाल किया हुआ है। भाई अपना जो टैंक था पेट्रोल टैंक, उसमें हो गया था पानी, तो भैया ने अभी बेचा है लेके पेट्रोल लेने। अभी जा रहे हैं पेट्रोल पंप, लेते हैं और फिर चलते हैं वापस बाइक के पास। तो भाई हमारा टैंक हो रहा है फिट और इसके बाद निकलते हैं सीधा घर। फाइनली अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है और ये एकदम मतलब स्मूथ हो गई है और ब्रेक के भी एकदम सेट हो गई हैं, और क्या बोलते हैं उसको, ये भाई अब बाइक की करा दी तो अपनी सर्विस भी तो करनी है ना। चलो अब इसको करते हैं वॉश और आगे के जो भी सीन होते हैं वो आपको बताता हूँ। चलो भाई वॉशिंग के बाद तुम लुक देखो भाई, इधर कितनी मिट्टी थी और अब देखो। तो
भाई अब देखो इसका बिफोर और आफ्टर, पहले कैसी थी और अब देखो क्या चमक रही है। तो मेरा ऐसे ही मन कर रहा था कि मैं एक राइड मार के आऊँ इस पे, तो अभी चलते हैं राइड पे। चलो ये आ गई भाई अपनी खड्ड। तो भाई अभी हम आ गए हैं अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, और फर्स्ट टाइम मैं इस पे ये वाला व्लॉग कर रहा हूँ। वैसे निकालना ही बड़ी देर बाद है भाई, चलाने में अब मज़ा आ रहा है, एकदम स्मूथ हो गया भाई। यार मज़ा तो बाइक पे ही आता है राइड का, स्कूटी पे इतना मज़ा नहीं आता यार। मेरे को आप सबसे पूछना था कि हम इसको मॉडिफाई करवाएं या नहीं, कमेंट्स में बताओ यार। मतलब सारे कमेंट करा करो कि कौन सी लोकेशन पे जाएं, इसको मॉडिफाई करवाएं या नहीं, मतलब जो भी होगा भाई वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, तो फिर मैं वहाँ से पढ़ के जो आप बोलोगे वही करूँगा। आप लोकेशन भी बता सकते हो तो मैं वहाँ का भी व्लॉग आपके लिए बना दूँगा। तो अब तो यार बड़ा मज़ा, सच बता रहा हूँ भाई, बड़ी देर बाद बाइक चला रहा हूँ और इतनी स्मूथ यार, इतना मज़ा आ रहा है चलाने में भाई। आराम से हो जाते हैं टर्न, क्योंकि अभी इसकी नंबर प्लेट नहीं है तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो मेरा ऐसे मन कर रहा था कि इस पे एक राइड मार के आऊँ, तो इसलिए आ गया। रिएक्शन देखो भाई, लड़का कब से देख रहा है भाई। अब इसका बस एक ही काम बचा है जो है इसकी नंबर प्लेट्स, तो उसको उसके लिए भी हम अप्लाई कर देंगे और जब आएगी तो लगवा देंगे, उसके बाद हम मारेंगे राइड इसी पे। तो अभी हो गए हम अपने घर वाली साइड टर्न। तो बस इतना ही था इस वाले व्लॉग के लिए, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा, सजेशंस, और हमें इस बाइक पे क्या क्या करना चाहिए और कहां कहां राइड पे जाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ़।